الله الرحمن الرحيم جناب حاجی اکبر تابان صاحب فرزند بلتستان ہے تابان ہے تابان ہے جناب سعید بلتستانی صاحب بچوں دھیان سے پلیز دھیان سے جناب عباس ایڈوکیٹ صاحب طاہر شگری صاحب انجینئر شبیر صاحب منظور حسین صاحب رضاء الحق صاحب غلام حسین صاحب اشرف سادہ صاحب ایم ایس ایف کے شیر جوان اور نیشیر کنیانگ لا سلام یا تیزے رومات جو السلام علیکم سکردو کے شیروں دلیروں شہیدوں کی سرزمین والوں آپ کو نواز شریف اور مریم نواز کا سلام پہنچے اور میاں صاحب کی زبان میں بولوں نواز شریف کی زبان میں بولوں تو کہوں سکردو والو یہ کیا کمال کر دیا نہ کوئی کرسی ہے نہ کوئی ٹرانسپورٹ ہے نہ کوئی جلسہ گاہ ہے اگر ہے تو جذبہ اور عوام زندہ باد سکردو زندہ باد بھئی نوجوانوں شیروں اور دلیروں بڑے تیز ہو مریم تیری آواز میری آواز کا نعرہ لگا کے مریم نواز کو ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے باندھ لیا اور مریم نواز آج اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتی ہے کہ جس طرح نواز شریف نے گلگت بلتستان سے محبت کی زندگی کے آخری سانس تک آپ کی بہن اور بیٹی مریم نواز آپ سے تعلق اور رشتہ نبھائے گی انشاءاللہ اور اس جلسے کے بعد گلگت بلتستان نے جو جذبہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے لیے دکھایا ہے اس جذبے کے بعد اگر مسلم لیگ نون دھاندلی سے ہرائی جاتی ہے تو یاد رکھو نہ گلگت بلتستان یہ رزلٹ مانے گا نہ پاکستان یہ رزلٹ مانے گا اور سکردو کے میرے نوجوانوں زیادہ تر تو نوجوان نظر آ رہے لیکن بیچ بیچ میں بزرگ بھی ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ جو گلگت بلتستان ہے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ جاتا ہے اپنے الیکشن میں تو کیا گلگت بلتستان جاتی ہوئی حکومت کے ساتھ جائے گا کیا گلگت بلتستان ایک ایسی حکومت کے ساتھ جائے گا جس کی دنوں میں انشاءاللہ چھٹی ہونے والی ہے اور جو جانتی تھی جو حکومت جانتی تھی جب یہ 2.5 سال پہلے دھاندلی سے آئے تھے نواز شریف کے اور مسلم لیگ نون اور شیر کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کر آئے تھے تو 2.5 سال میں یہ
ये हालत हो गई है कि आज पूरे मुल्क में जगह जगह घबराए घबराए फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके जलसों से मेरे बुजुर्ग को परेशानी होती है। आपको परेशानी होनी चाहिए क्योंकि आवाम आपको आपका घेराव करेगी और आपको घर तक छोड़ के आएगी। तुम इमरान खान, तुम आवाम के, ना सिर्फ तुम, तुमने उनके इमरान खान और ये हुकूमत सिर्फ आपकी इसलिए मुजरिम नहीं है कि इन्होंने आपके वोट पर डाका डाला है, ये इसलिए आपकी मुजरिम है कि आपके घरों से रोटी और आपके घरों से सुकून, आपकी नौकरियां, आपकी खुशियां इन्होंने छीन ली। और अब जबकि हुकूमत अपने आखिरी दिनों पे आ चुकी है, इंशाल्लाह ना धांधली रहेगी, ना धांधली करने वाले रहेंगे और ना धांधली की पैदावार इमरान खान रहेगा। और अब राज करेगी तो खल्के खुदा इंशाल्लाह। और आज मुल्क का चप्पा चप्पा जिस तरह सकर्दू की ये गलियां गवाही दे रही हैं, गिलगित बल्तिस्तान की गलियां और मोहल्ले और सड़कें गवाही दे रही हैं, इसी तरह आज आवाम ये गवाही दे रही है कि नवाज शरीफ के अलावा अब पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं रही। अगर अल्लाह ताला के फजलो करम से, उसकी जात के करम से आज अगर किसी के पास पाकिस्तान की लगी हुई बीमारियों का इलाज है, किसी के पास पाकिस्तान के मसाइल का इलाज है, तो उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। उसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो आज जब तुम्हें समझ आ गई है, जब तुम्हें समझ आ गई है कि एक पेज पर होने के बावजूद, अवाम के हक पर डाका डालने के बावजूद, धांधली के बावजूद, सारी कोशिशों के बावजूद आज अगर तुम्हारी 2.5 साल में ये हालत हो गई है, तो हट जाओ अवाम के और नवाज शरीफ के दरमियान से। आज अगर मान रहे हो, दिल से मान रहे हो कि अगर नवाज शरीफ के पास ही इलाज है पाकिस्तान के मसाइल का, तो दिल बड़ा करो और अवाम और नवाज शरीफ के दरमियान से हट जाओ और अवाम को और नवाज शरीफ को एक दफा फिर मिलकर इस मुल्क की खिदमत करने दो। आपने क्या उस चीज का इंतजार कर रहे हो? पहला मौका आया इस साल मेरे भाइयों, गिलगित के मेरे भाइयों, बल्तिस्तान के मेरे भाइयों, के अवामी मुलाजमों की और पाकिस्तान के जो तनख्वाहदार मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी। पहला साल आया कि ये तनख्वाहें नहीं बढ़ी। क्या उस चीज का इंतजार कर रहे हो कि तनख्वाहें देने के लिए पैसे ही ना रहे आपके पास? इस मुल्क को अवाम और नवाज शरीफ के हवाले कर दो, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान फिर से तरक्की की मंजिल तय करेगा। और देख लो, फैसला तुम्हारा नहीं चलता, फैसला अल्लाह ताला का चलता है। और जब तुम इक्तदार के ऐवानों में बैठ के ये बात करते हो कि मैं हम नवाज शरीफ को मिटा देंगे, नवाज शरीफ की सियासत को खत्म कर देंगे, तो ये शिर्क है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये पावर और ये ताकत अल्लाह ताला के पास है। और आज तुम्हारी सारी ताकतें, तुम्हारी सारी धांधलियां, तुम्हारे सारे इंतकाम नाकाम, तुमने नवाज शरीफ की आवाज बंद की, अल्लाह ताला ने आज तुम्हारी आवाज बंद कर दी।
और पूरी दुनिया में अगर एक ही आवाज गूंज रही है तो उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। और मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आप मेरे दिल के बहुत करीब हो। अब मैं गिलगित बल्तिस्तान के अपने नौजवानों से मुखातिब हूँ और आज इस जलसे के थ्रू पाकिस्तान के अंदर फैले तूलो अर्ज पर सारे नौजवानों से मुखातिब हूँ और मैं आपको ये कहती हूँ कि अपने हक के लिए अब खड़े हो जाओ, अपने हक को मत छोड़ना। हुकूमतें लाने और वापस ले जाने का, हुकूमतें मुंतखब करने का और उनको घर भेजने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ खल्के खुदा के पास है। जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे से पिछली नस्लों ने सह लिया, वो सह लिया। आज अपनी बहन मरियम नवाज के साथ वादा करो कि अब अपने हकूक पे डाका डालने की इजाजत किसी को नहीं दोगे। समझ आ रही है ना? अपने वोट को दूसरों के पांव के नीचे रौंदने की इजाजत नहीं दोगे। अपने हक के लिए खड़े होगे, भेड़ बकरियों वाला सलूक बर्दाश्त नहीं करोगे और अपने जो आपका हक है, चाहे वो नवाज शरीफ ने आपके लिए सड़कें बनाई हैं, सुना है कि 72 साल में जो सड़कें नहीं बनी नवाज शरीफ ने बना दी, 70 साल में गिलगित बल्तिस्तान को यूनिवर्सिटी नहीं मिली वो नवाज शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह आपको दी, तो ये जो हक है ना आपका, ये एहसान नहीं है, ये हक आपका आपको मिलना चाहिए, इस हक से भी ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये बात याद रखना, जब ये हक आपको भीख की तरह दिया जाए तो इनकार कर देना। खुददार नौजवान बनना, अपना हक को सर उठा के लेना। ये मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल नहीं है कि वो फेसबुक पर कुछ लिखे या वो ट्विटर पे कुछ लिखे या वो कोई बात करें और रात को वीगो डाले आके उनको उठा के ले जाए। ये हम नहीं होने देंगे। बोलो, ये हम नहीं होने देंगे। अब हम इस चीज की, मेरे नौजवानों, वादा करो कि चाहे जिसको भी वोट दोगे, जो आपके वोट से आएगा, जो आपके वोट से आएगा, वो किसी इकामे पे फिर नहीं निकाला जाएगा। और उसके लिए आवाज उठाओगे, अपने नुमाइंदे जो आपके खिदमतगार हैं उनके लिए खड़े होगे, उनकी इज्जत की, उनकी नामूस की और अपने वोट की पर्ची की हिफाजत करोगे। क्योंकि जिसकी अपनी कोई इज्जत ना हो, जो खुद कशकोल उठा के फिरता हो, जिसको लाने वाला कोई और हो, जिसको चलाने वाला कोई और हो, जो अपने हक के लिए, अपनी इज्जत के लिए खड़ा ना हो सके, वो आपके लिए क्या खड़ा होगा? मुझे इस चीज का जवाब दो। और मेरे नौजवानों, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों, मुस्लिम लीग नून के 9 लोगों को इन्होंने तोड़ लिया, तो मेरे साथ ये वादा करो कि लोटों को वोट नहीं दोगे। क्योंकि लोटों की जगह बाथरूम्स में है, लोटों की जगह किधर है? क्योंकि जो जरा सा दबाव बर्दाश्त ना कर सके, जो सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड का जरा सा दबाव बर्दाश्त ना कर सके, वो आपके लिए क्या दबाव, आपके लिए क्या खड़ा होगा? जो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता, वो आपके लिए क्या खड़ा होगा? और जो दबाव में आके आपके वोट की हुर्मत को पांव के नीचे कुचल कर चला जाए, वो आपके लिए क्या खड़ा होगा? वो आपकी क्या खिदमत करेगा? तो लोटों को रखेंगे बाथरूम्स में, उनकी जगह बाथरूम्स में, उनकी जगह आपके वोटों के डब्बों में नहीं। तो वोटों, ये जो लोटे हो गए ना, इनको निशाने इबरत बना के आना, कोई इनको वोट मत डाले ताकि इनको पता चले कि अवामी नुमाइंदा होना कितना बड़ा एक जिम्मेदारी है, कितनी वो एक ऐसी जिम्मेदारी है कि जब आप उसका लिहाज नहीं करते तो फिर आप वोट का
आपको वोट का वोट लेने का कोई हक नहीं है, आपको चुप करके मुंह छुपा के अपने घरों में बैठना चाहिए। और मैं नवाज शरीफ साहब से भी और अपनी जमात से भी, मेरे बड़े शाहिद खाकान अब्बासी साहब और परवेज रशीद साहब यहाँ तशरीफ फरमाएं, बरजीस ताहिर साहब तशरीफ फरमाएं, मैं हाथ जोड़कर अपनी जमात से भी ये अर्ज करूंगी कि आइंदा किसी लोटे को टिकट नहीं देना। और ये जो आपके सामने मेरे बुजुर्ग वफा का पहाड़ खड़ा है, जो सोने में तोड़ने के लायक है, जो लोग धांधली करने के मंसूबे बना रहे हैं, वो ये याद रखें कि 2018 और 2020 के दरमियान के 2 सालों में पाकिस्तान बदल चुका है। अब ना लोटों को वोट मिलेगा, ना धांधली करने वाले बचेंगे, ना धांधली करवाने वाले बचेंगे, सबको अवामी गैज़ो गज़ब और कहर का सामना करना पड़ेगा। और उसको लीड करोगे मेरे नौजवानों, मरियम नवाज उसको लीड नहीं करेगी, उसको लीड करोगे आप, करोगे ना। तो मैंने कल एक जलसे में कहा कि लोटों का घेराव करो, तो मेरे अपने जो स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद जुबैर साहब, वो उसकी सफाइयां दे रहे थे। मीडिया ने जब सवाल किया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो हम ये नहीं कह रहे थे, हम वो कह रहे थे। हम वही कह रहे थे कि लोटों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह, लोटों को छुपने की जगह नहीं देंगे इंशाल्लाह। ये लोटे जब जब अपने हलकों में जाएं, इनको ये एहसास दिलाओ कि ये कितना बड़ा जुर्म करके आए। तो अब आ जाओ गिलगित बल्तिस्तान के सूबे के ऊपर। तो गिलगित बल्तिस्तान का एक मदारी आया था अभी चंद दिन पहले, एक झूठा ख्वाब दिखा के चला गया। ये उसको एहसास नहीं हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम सब जानते हैं कि तुम कौन कौन हो और तुमने कितने वादे निभाए हैं। ख्वाब दिखाया 1 करोड़ नौकरियों का, और तबीर क्या है? तबीर है कि 2.5 साल में 1.5 करोड़ लोग और खानदान बेरोजगार हो गए। ख्वाब दिखाया था कि 50 लाख घर दूंगा, और तबीर यह है कि लाखों करोड़ों अफराद को बेघर कर दिया। ख्वाब दिखाया था कि IMF नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, और तबीर ये मिली कि ना सिर्फ कमाल डिटाई से IMF गया, बल्कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए और अवाम के चूल्हों और अवाम के घरों को गिरवी रखाया। ख्वाब दिखाया था कि किसी से भीख नहीं मांगूंगा, पूरी दुनिया में हमें भिखारी बना दिया। ख्वाब दिखाया था कि 100 दिनों में तब्दीली लाऊंगा, और तबीर यह है कि फिर 1 साल मोहलत मांगी, अब कहता है मेरे पास कोई जादू का चिराग नहीं है कि 2.5 साल में तब्दीली ले आऊं। ख्वाब कहता यह था कि जंगला बस नहीं बनाऊंगा, फिर पूरी दुनिया ने देखा कि तुमने थूक के चाटा, ना सिर्फ ये कि तुमने जंगला बस बनाई, बल्कि वो आज तक तुमसे बनी ही नहीं। सालों पर साल गुजर गए, 26 अरब रुपए लग गए, आज भी वो जब बस चलती है उसमें आग लग जाती है, और ना इससे मईशत चलती है ना इसका बस चलता है। इसका बस अगर चलता है तो गरीब अवाम के चूल्हे बुझाने पे चलता है, इसका बस अगर चलता है तो महंगाई पर चलता है, इसका बस अगर चलता है तो आवाम का रोजगार छीनने पर चलता है, इसका बस अगर चलता है तो तोड़ जोड़ में चलता है, इसका बस अगर चलता है तो जूते पॉलिश करने में चलता है। जो इंसान अपनी इज्जत के लिए खड़ा नहीं हो सकता,
वो आपकी इज्जत कभी नहीं करवा सकता। और खुद चीनी पर आटे पर सब्सिडी देकर पहले दोस्तों को नवाजता है, फिर खुद ही कमीशन बनाता है और आटा चीनी चोरों के जो जो जेबों में पैसे गए हैं ना, वो उन लोगों की जेबों में गए हैं जो बनी गाला में इमरान खान के घरों का खर्चा उठाते हैं। खुद ही महंगाई करता है और फिर महंगाई का नोटिस लेता है, और जब महंगाई का नोटिस लेता है तो महंगाई और ज्यादा बढ़ जाती है। अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि खुदा का वास्ता है तुम नोटिस ना लिया करो। और अब एक बात कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाऊंगा, ये इज्जत तुम्हारे नसीब में नहीं लिखी है। इंशाल्लाह अगर गिलगित बल्तिस्तान को कोई सूबा बनाएगा, इंशाल्लाह उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। और ये बात किसी ने नहीं की, ये बात आज मैं कर रही हूं कि अगर वो सूबा बनाएगा इंशाल्लाह, जो कि वो बनाएगा, आप सबके इंशाल्लाह ताला आपकी मदद के साथ, अल्लाह की मदद के साथ, तो वो ये नहीं करेगा कि एनएफसी अवार्ड के थ्रू जो पैसे हैं वो उनमें कटौती करके आपको दे दे। जब सूबा बनेगा तो अभी जो आपको मिल रहा है इंशाल्लाह ताला उससे कम नहीं, उससे ज्यादा मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और मैं भी ये चाहती हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के मेरे आवाम को खुद मुख्तारी मिले। आपको ना सिर्फ सूबा बने, आपको खुद मुख्तारी मिले, और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान भी बाहर से लाकर आपको पर मुसल्लत ना किया जाए, आप ही का नुमाइंदा हो इंशाअल्लाह। और ये जो कहते हैं ना एनआरओ नहीं दूंगा, आज मैं ये ऐलान करती हूँ और गिलगित बल्तिस्तान को ये बताती हूँ कि अब ये एनआरओ हमसे मांग रहा है, लेकिन सिलेक्टेड अब तुम्हें नवाज शरीफ इंशाल्लाह और मुस्लिम लीग नून तुम्हें एनआरओ नहीं देगी, क्योंकि पहले तुम सिलेक्टेड थे, अब तुम रिजेक्टेड हो। कहो इमरान खान तुम्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। और आखिर में पूरे दिल से मेरे साथ वादा करो कि आप 15 तारीख को इंशाल्लाह जॉक दर जॉक पोलिंग स्टेशंस पे जाओगे, शेर पे थप्पा लगाओगे। और आपने सिर्फ शेर पे थप्पा नहीं लगाना, जब आप शेर पे थप्पा लगाते हो मेरे भाइयों, तो आप अपनी भलाई और अपनी खुशहाली पे थप्पा लगाते हो। जब आप शेर पे थप्पा लगाते हो तो फिर कीमतें आपके इस्तेमाल की चीजों की कीमतें नीचे आती हैं। जब आप शेर पे थप्पा लगाते हो तो यहाँ सड़कें बनती हैं। जब आप शेर पे थप्पा लगाते हो, थप्पे पे थप्पा, शेर पे थप्पा, और जोर से सब बोलो। और अगर आप ये चाहते हो कि गिलगित बल्तिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्की करे और आगे जाए और उसको उसका वो हक मिले जो आप चाहते हो, तो शेर पे थप्पे पे थप्पा, शेर पे थप्पा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शाद और आबाद रखे। अल्लाह ताला जल्दी मोहम्मद नवाज शरीफ को सेहत दें कि पाकिस्तान वापस लाए, वो आप सबको संभाले। पाकिस्तान जिंदाबाद, सकर्दू जिंदाबाद, और मेरी वो जो ख्वातीन यहाँ आई हुई हैं जिंदाबाद, सकर्दू के नौजवान बुजुर्ग भाई बेटे बच्चे माएँ बेटियाँ जिंदाबाद, तबान साहब जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद,
नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया।